हेलो एंड व्हाट्स अप फोक्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो आज की वीडियो है वो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम लोग वीडियो बनाएंगे एयर फिल्टर के बारे में, कि मैं कैसे मेंटेन करता हूँ। तो जो मेरा प्रोसीजर है मैं आपको समझा देता हूँ, और आज बॉडी पूरी तरह पम्प्ड है वीडियो बनाने के लिए। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गो। सो फॉर एयर फिल्टर को चेक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए है बाइक की चाबी, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो बाइक खुलेगी नहीं, तो उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो जोक्स पार्ट, तो अब हम खोलते हैं। तो इसके लिए टूल चाहिए 10 नंबर की चाबी, सिंपल सा प्रोसेस है। तो 10 नंबर की चाबी लेके हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। खुल जा, हाँ खुल गया, खुल गया। तो अभी कोरोना वायरस वाले डे चल रहे हैं, तो बाहर तो जा नहीं सकते। तो अभी मेरा ट्रैवल चैनल लग रहा है मुझे गैराज वाला ही चैनल बन चुका है थोड़ी देर के लिए, तो प्लीज़ एडजस्ट करें और वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो यार। हाँ, तो ये रहा एयर फिल्टर। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये पेपर एलिमेंट होता है, आपको जैसा दिख रहा हो ये कार्डबोर्ड जैसा पेपर होता है। तो ये वॉश वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको वॉश करके डालोगे तो जितना मर्जी सूख जाए, पानी के डस्ट पार्टिकल्स थोड़े बहुत रहते ही हैं अंदर, जिसकी वजह से वो इंजन की तरफ पानी जाएगा, क्योंकि जब ये कंबस्शन के लिए हवा खींचेगा तो साथ में जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी अगर आप वो करते हो। तो ये वॉश नहीं होता, ये आपको हमेशा चेंज करना है। और काइंडली अगर अपने आप को रिमाइंड करना हो तो मैंने यहाँ पे डेट लिखी है 29/11/2018 को मैंने डाला था ये, मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है ये। तो सिंपली मैं इसको चेक करने के लिए क्या करता हूँ, आपको सिंपल सा बताता हूँ प्रोसीजर। तो मैं कैसे चेक करता हूँ कि मेरा हेयर फिल्टर की कितनी, एक तो सबसे पहले ये स्टेप करता हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके झाड़ता हूँ तो देखता हूँ कितनी डस्ट निकली है। ऐसे आपको दिख रहा हो डस्ट, इसमें मुझे ऐसे पता लग जाता है इसमें डस्ट निकलती है, जब ज़्यादा निकले तो पता लग जाता है। और एक और मेन चीज़ है, जैसे जो अंदर वाला कार्डबोर्ड का अगर आप अंदर से देखोगे, जैसे अभी आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे जो कार्डबोर्ड का कलर है, अगर ऊपर का कलर देखो, आप दोनों मैच कर सकते हो कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तो मेरा तो वैसे 2018 का है, अभी 2020 चल रहा है 11, तो काफ़ी पुराना है ये, काफ़ी टाइम निकाल देता है एयर फिल्टर, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आपका कलर ज़्यादा ब्लैक या कार्डबोर्ड का कलर ज़्यादा बुरा नहीं हुआ तो भी चलता है, और अगर आपके एरिया में ज़्यादा धूल मिट्टी में आप चलाते नहीं हो, ऑफ रोड टाइप रोड है नहीं है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ये काफ़ी टाइम निकाल देता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मेरा 29/11/2018 का है, अभी तक मतलब पूरी तरह गंदा नहीं, और मैंने टूर वगैरह लगाया हुआ है, मैं मुगल रोड वगैरह पूरा रजौरी ज़्यादा नहीं तो 1000 किलोमीटर चला के आया था, तब भी ये ओके है, अभी भी इतना बुरा नहीं है। तो ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हो, और अंदर वाला तो वो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे कंपनी तो बोलती है काफ़ी देर चलता है एयर फिल्टर, पर आप अपने हिसाब से देखें, जब आपको लगे कि चेंज करने की ज़रूरत है तो आप चेंज कर लें। तो अभी वैसे भी कोरोना के डेज चल रहे हैं, एयर फिल्टर तो मुझे मिलेगा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा तो चेंज करने वाला हो चुका है, तो अभी तो मिलेगा नहीं, तो तब तक के लिए यही वाला लगा के रख देते हैं, क्योंकि शॉप्स वगैरह तो खुली नहीं है, कहाँ से लूँगा। तो यही वापस लगा के रख देता हूँ। तो अगर आप भी चेक कर लें और डेट वगैरह लिख लें, अगर आपको लगे कि चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज कर लें, अगर आपको मिलता है, नहीं मिलता तो अभी की फ़िलहाल के लिए रख लें, थोड़ा सा झाड़ लें इसको जैसे मैंने झाड़ा था। वैसे वो सिंपल प्रोसेस है, उससे वैसे काफ़ी डस्ट निकल जाता है मेरे हिसाब से, पर उतना कैपेबल नहीं है, अंदर तो जाता ही है, तो अगर मिलता है तो आप वो चेंज कर लेना। सो ईज़िली आपको याद रहे कि आपने अगली बार बैटरी कब करनी है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने की थी आज 18 है, तो मैंने कल की थी 17 मई 2020 को की, और एयर फिल्टर मैंने आज ही चेक किया है 18/20 को, तो एयर फिल्टर तो चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसको आके क्रॉस कर देते हैं, बाकी ये ठीक है, बैटरी वगैरह कर ली। तो इससे आपको इजीली याद रहेगा जब भी आप अगली बार बैटरी खोलेंगे, और बैटरी को अगर आपकी वेट बैटरी है तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है,
ड्राई में भी शायद थोड़ा बहुत करना पड़ता है। एंड जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल इनफील्ड का जो ऑयल लेवल है वो कैसे चेक करते हैं। सिंपल है, आसान सा तरीका है, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी बाइकों में कैसे होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। जैसे कि स्प्लेंडर में स्टिक होती है तो आपको स्टिक वाला सिस्टम भी बता दूंगा। सो टिल देन, बाय बाय।